पॉप स्टार लेडी गागा और उनसे जुड़े विवादों का तो जैसे चोली दामन का साथ है। अगर विवाद नहीं होते तो गागा अपने बारे में ऐसे खुलासे कर देती हैं जिसकी वजह से वह देश ही विदेश में भी हेडलाइन बन जाती है। ताज़ा खबर भी गागा के एक चौंकाने वाले खुलासे से ही जुड़ी हुई है। वेबसाइट yonline.com के मुताबिक अपने आगामी EPIX मूल वृत्तचित्र हुड के जार्थर फोगल की एक क्लिपिंग में 27 वर्षीय गागा ने खुलासा किया कि वर्ष 2009 में मॉन्स्टर बॉल दौरे के दौरान वह दिवालिया थी। मेरे पास बैंक में मेरे नाम से $30,00,000 थे और मैंने यह सब पैसा अपनी मंच प्रस्तुति पर उड़ा दिया। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि मैं घर गई और अपने पिता के साथ थी और उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम रेडियो पर छाई हो, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है और तुम। लेकिन बाद में गागा ने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे मेरे हालात ठीक हो गए। गौरतलब है कि हुड के आर्थर फोगल का प्रीमियर 19 मार्च को EPIX पर होगा। पिछले साल मंगलवार में गागा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि वह गांजा पीती थी। द जेड एक्स और मॉर्निंग शो के एक साक्षात्कार में गागा ने उनकी गांजा लेने की लत के बारे में बताया था। गागा ने कहा था, मुझे इसकी लत हो गई थी और यह चिंता का मुकाबला करने से जुड़ गई। यह आत्मध्यान का एक तरीका है। मैं एक दिन में 1,520 तंबाकू रहित गांजा सिगरेट पी रही थी। लेडी गागा को इंक्लूड होने में काफी मजा आता है। एक दिन लेडी गागा अपने एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची और अचानक उनके मन में इंक्लूड होने का आइडिया आ गया और उन्होंने टीम से कहा कि वो बिना कपड़े पहने गाने की रिकॉर्डिंग करेंगी। गागा का कहना है कि घर में जब वो नग्न अवस्था में कोई गाना गाती हैं तो उनकी आवाज़ और अधिक अच्छी और मधुर हो जाती है।